फ्रेंड्स, आप सबका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने किचन में चावल के बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी बना रही हूँ, चावल के डोसा, जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसके लिए ना तो हमें कोई दही चाहिए, ना ही कोई इनो चाहिए और ना ही कोई सोडा चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं डोसा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा ले लिया है, हम किसी भी मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस इसमें मैंने नमक डाला है। नमक को और आटे को अच्छे से मिक्स कर दें। अब बस आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, उन्हें डाल दिया। 2 हरी मिर्चें कट कर ली हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये थोड़ा सा मैंने गाजर ले लिया है। आपको जो भी पसंद हो आप सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। मैंने 1 कप चावल का आटा लिया था तो 2 कप पानी लिया है। पहले मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लें, फिर हम बाद में 1 कप पानी डालेंगे। आपको अगर बहुत पतला डोसा चाहिए तो आप पूरे 2 कप पानी का यूज़ करिए। थोड़ा सा मोटा डोसा चाहिए तो आप 1.5 कप पानी का यूज़ करिए। तो मैं इसमें 1.5 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। हमारा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार डोसा बनकर तैयार हो रहा है। ये जो हमारा बैटर है, इसमें मैंने कोई भी इनो, दही, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। चावल का आटा है तो बहुत क्रिस्पी बनेगा। बस इसे 2-3 मिनट के लिए इस तरह से रख दें, फिर हम इसे चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ना बहुत अच्छे से तवे को गरम कर लेना है और थोड़ा सा तेल लगा देना है। अब कोई भी आप एक गहरा चम्मच ले लें, मैंने एक गहरा चम्मच लिया है। और चावल का जो आटा होता है ना बैठ जाता है, इसलिए उसे इस तरह से चलाते हुए लें। तो जितनी बार आप डालें तो उस तरह चलाते हुए डालें, इसको साइड से डालें। फ्लेम को डालते वक्त बिल्कुल हाई रखें। सीखने देंगे हाई फ्लेम पर इसे डालकर। अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड जब हमारा अच्छे से सीख गया तो खुद ही साइड से इस तरह से छोड़ने लगे। इसे सीखने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा, या जब तक आपका ये सीख नहीं रहा तब तक आप इसे लो फ्लेम पर छोड़ दें। अब बिल्कुल हमें धीमी आंच पर इसे इस तरह से कर देना है। इससे कितना बढ़िया कलर आ गया ना। अब हम इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। हमारा बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से डोसे को अच्छे से सेक लिया। हमारा बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से गर्मा गर्म डोसे को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी चावल का डोसा बनकर तैयार। इसे मैंने नारियल की चटनी के साथ सर्व किया। नारियल की चटनी में मैंने हरी मिर्च नमक डाल के पीस लिया था, उसके ऊपर राई का तड़का लगा दिया। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।